हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अमन कुशाल। वेलकम टू वैश IAS यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग यहाँ पर अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट पार्ट फोर्थ के अंदर मैंने आपको बताया था डेप्टी स्पीकर यहाँ पर क्या होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यहाँ पर क्या होते हैं, पैनल ऑफ चेयरपर्सन राज्यसभा का हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। इसके अलावा डेप्टी चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के, उनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविज़न है वो वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था लीडर ऑफ हाउस यहाँ पर क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पर क्या होता है। इसके बाद हमने वहाँ पर देखा था सेशंस ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर कैसे कैसे काम करते हैं, कौन कौन से सेशन यहाँ पर होते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग वहाँ पर कैसे काम करती है। तो उसी के आगे से यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप ये लेसन देखने से पहले आपने इस सीरीज के बाकी के सारे लेसन यहाँ पर देख लिए हों, ताकि आप इस लेसन को अच्छे से यहाँ पर समझ पाएँ एंड आने वाले लेसन को भी आप अच्छे से यहाँ पर समझ पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट पार्ट फिफ्थ। सो फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का यहाँ पर मतलब होता है हाउस को ही यहाँ पर डिसोल्व कर देना, मतलब उसकी जो एग्जिस्टिंग लाइफ है उसको ही वहाँ पर ख़त्म कर देना। अब मैंने आपको बताया था हमारे वहाँ पर दो हाउसेज हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा तो मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यू यहाँ पर चैम्बर है, वो कभी भी डिसोल्व वहाँ पर नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा ही वहाँ पर डिसोल्व होती है। तो लोकसभा कब कब यहाँ पर डिसोल्व होती है, हर 5 साल बाद यहाँ पर डिसोल्व होती है। तो उसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन वहाँ पर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बताया था एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक सेशन वहां पर टर्मिनेट होता है और वापस लोकसभा वहां पर मिलती है। लेकिन डिसोल्यूशन के बाद क्या होता है, जनरल इलेक्शन वहां पर होते हैं, उसके बाद जो नई लोकसभा चुन के आती है वही वहां पर आके मिलती है एंड वही वहां पर काम करती है। अब लोकसभा का जो डिसोल्यूशन है वो यहां पर दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके कौन कौन से? फर्स्ट हो गया ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब यहां पर है कि भाई अपने 5 साल पूरे हुए लोकसभा के, उसके बाद अपने आप ही लोकसभा यहां पर कम क्या हो जाएगी, यहाँ पर भंग हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। सेकंड हो गया इसके अंदर कि प्रेसिडेंट लोकसभा को यहाँ पर डिसोल्व कर दे। जो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो लोकसभा को वहाँ पर डिसोल्व यहाँ पर कर सकता है। अगर कोई पार्टी यहाँ पर मेजोरिटी यहाँ पर लूज कर देती है तो वो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो हाउस को वहाँ पर डिसोल्व यहाँ पर कर सकता है। सो दो तरीके से हमारी जो लोकसभा है वो वहाँ पर डिसोल्व वहाँ पर की जा सकती है। तो दोनों तरीके यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। एंड जब लोकसभा वहाँ पर डिसोल्व हो जाती है, डिसोल्व मतलब स्थगित यहाँ पर हो जाती है, पूरी जो सेशन वगैरह पूरा जो काम वगैरह है वही वहां पर खत्म हो जाता है, तो जितने भी बिल्स होते हैं, मोशन होते हैं, रेजोल्यूशन वगैरह होते हैं, नोटिस पिटीशन वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाती है, वो लैप्स हो जाती है। मतलब उनका कोई भी वहाँ पर मीनिंग वहाँ पर नहीं रहता है। अब वो वापस अगर आपको वो चीज़ें पास करनी है तो जब नई लोकसभा वहाँ पर चुन के आएगी उनके अंदर आपको वो सारी चीज़ें वापस वहाँ पर करनी होगी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर खास चीज़ क्या है कि अगर कोई भी बिल या पिटिशन वगैरह वो हो गई जो कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस के पास वहाँ पर रखी हुई है उनके यहाँ पर देखने के लिए, उनके एग्जामिनेशन के लिए, तो वो जो चीज़ें होंगी वो वहाँ पर लैप्स नहीं होंगी। तो ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। एंड मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर कोई भी जो बिल है, ठीक है, तो वो कब यहाँ पर एसेंट के बाद यहाँ पर पास होता है, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों के यहाँ पर पास हो जाए, इसके बाद प्रेसिडेंट को उसको वहाँ पर एसेंट मिल जाए, उसके बाद ही जो बिल है वो वहाँ पर एक्ट बनता है। तो जब लोकसभा वहाँ पर डिसोल्व होती है, ठीक है, तो जो बिल्स वगैरह होते हैं उनका क्या क्या यहाँ पर होता है कि सारे ही बिल वहाँ पर लैप्स हो जाते हैं या सारे ही नहीं लैप्स होते हैं, तो उसके बारे में 6 प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वहाँ पर दिए गए हैं। 2 तरीके होते हैं जिनके द्वारा जो बिल है वो वहाँ पर लैप्स हो जाएंगे एंड 4 तरीके होते हैं जो कि जो बिल है वो वहाँ पर लैप्स नहीं होंगे। तो जो 2 तरीके हैं, सबसे पहले वो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस, ठीक है, तो अगर कोई बिल लोकसभा के अंदर यहाँ पर पेंडिंग है, अगर वो राज्यसभा के अंदर ओरिजिनेट हुआ है या फिर लोकसभा के अंदर ही यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है, तो वो बिल यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैप्स वहाँ पर हो जाएगा, मतलब वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। एंड सेकंड इसके अंदर तरीका है कि अगर वो बिल लोकसभा के द्वारा वहाँ पर पास कर दिया गया था लेकिन राज्यसभा के अंदर वो पेंडिंग है, मतलब राज्यसभा ने अभी तक उसको वहाँ पर पास नहीं किया है, तो उस केस के अंदर भी क्या होगा, जो हमारा बिल है वो हमारा लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हो गए जिसके अंदर जो हमारा बिल है वो वहाँ पर लैप्स हो जाएंगे, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊँगा उसके अंदर जो हमारे बिल है वो वहाँ पर लैप्स नहीं होंगे। थर्ड इसके अंदर क्या है कि अगर कोई बिल दोनों हाउसेस के द्वारा पास नहीं किया गया था एंड डिसएग्रीमेंट था वहाँ पर एंड प्रेसिडेंट ने बोला था कि भाई हम जॉइंट सिटिंग वहाँ पर कराएंगे, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो बिल है वो वहाँ पर लैप्स नहीं होगा। अब यहाँ पर क्यों लैप्स नहीं होगा, आप यहाँ पर देखिए कि दोनों हाउस से ही वो पास नहीं था तो लैप्स होने का मतलब ही नहीं। अगर एक हाउस से वहाँ पर पास हो जाता एंड एक हाउस से भी किससे, लोकसभा वहाँ पर मायने रखेगा क्योंकि लोकसभा ही वहाँ पर डिसोल्व होती है, भाई राज्यसभा तो वहाँ पर हमेशा रहेगी सही, तो ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ इसके अंदर क्या हो गया, कोई बिल राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है लेकिन लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है तो वो वहाँ पर लैप्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा अपना कंटिन्यू यहाँ पर चैम्बर है, तो वहाँ पेंडिंग रहे तो कोई दिक्कत की
बात नहीं है, लेकिन लोकसभा ने उसको पास यहाँ पर कर दिया था अपनी तरफ से, तो वो वहाँ पर लैप्स नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई बिल दोनों हाउसेस के द्वारा वहाँ पर पास कर दिया गया था एंड प्रेसिडेंट की जो एसेंट है वो वहाँ पर बाकी थी, तो उस केस के अंदर भी जो हमारा बिल है वो क्या होगा, वहाँ पर लैप्स नहीं होगा। एंड लास्ट इसके अंदर क्या है, ए बिल पास बाय बोथ हाउस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ हाउस डज नॉट लैप्स। तो मतलब दोनों हाउसेस के द्वारा यहाँ पर बिल पास कर दिया गया था, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेज भी दिया गया था, लेकिन प्रेसिडेंट ने क्या किया, रिकंसिडरेशन के लिए वापस बिल को वहाँ पर भेज दिया था हाउस के पास, तो उस केस के अंदर भी यहाँ पर क्या होगा, जो बिल है वो हमारा वहाँ पर लैप्स नहीं होगा। तो ये जो 6 केसेस है ये आपको ध्यान होने चाहिए कि किन दो केसेस के अंदर बिल वहाँ पर लैप्स होगा एंड किन केसेस के अंदर बिल वहाँ पर लैप्स यहाँ पर नहीं होगा। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पर खत्म होता है डिसोल्यूशन वाला। नेक्स्ट है हमारा कोरम। तो कोरम यहाँ पर क्या होता है, कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी बार स्कूल्स के अंदर ऐसा होता होगा, या आपने भी ये यहाँ पर देखा होगा, आपने इसको विटनेस यहाँ पर किया होगा कि जब वैकेशंस के बाद छुट्टियों के बाद बच्चे आते थे तो एक साथ जितनी स्ट्रेंथ होती थी बच्चों की वो नहीं आती थी, तो बहुत ही दो दो तीन तीन बच्चे वहाँ पर एक एक क्लास के अंदर आते थे। तो टीचर क्या करते थे कि सबको मिला के एक ही कंबाइंड क्लास वहाँ पर लगा देते थे, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी, सिर्फ मस्ती मजाक होता था, या जो बच्चे आए हैं उनको वहाँ पर कुछ भी काम वगैरह दे दिया जाता था या गेम्स वगैरह दे दिए जाते थे। तो हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी यहाँ पर सेम होता है कि अगर क्वारम मतलब मिनिमम मेंबर जो हैं, और मिनिमम मेरे भी यहाँ पर कितने हैं, टोटल 10% है, 1/10% है यहाँ पर कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके अगर 10% मेंबर हाउस के अंदर यहाँ पर नहीं आए हैं तो हाउस को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, हाउस को एडजर्न यहाँ पर कर दिया जाता है। एंड किसके द्वारा यहाँ पर ये किया जाता है, हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके द्वारा वहाँ पर किया जाता है। और लोकसभा के अंदर कोरम कितना है, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पर कितनी है, मैंने आपको बताई थी 552 यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ है, तो लोकसभा का 10% कितना हो गया, मतलब लोकसभा के अंदर 55 मेंबर यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए तभी वहाँ पर काम होगा। एंड राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर होने चाहिए, 25 मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए तभी वहाँ पर राज्यसभा के अंदर वहाँ पर काम होगा। एंड अगर कोरम यहाँ पर नहीं होता है तो यहाँ पर किसकी ड्यूटी रहेगी, प्रेजाइडिंग ऑफिसर की यहाँ पर ड्यूटी रहेगी कि वह हाउस को यहाँ तो एडजर्न करे या फिर सस्पेंड करे कि जब तक सारे मेंबर यहाँ पर नहीं आ जाते हैं या कोरम यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाता है, मतलब 10% मेंबर वहाँ पर हाउस के अंदर नहीं आ जाते हैं, तब तक हाउस को वहाँ पर क्या कर सकता है, वो एडजर्न यहाँ पर कर सकता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउस को एडजर्न करने की जो ड्यूटी होती है इन केस ऑफ क्वारम वो किसके पास यहाँ पर होती है, तो हाउस के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके पास ये यहाँ पर ड्यूटीज होती है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट है हमारा वोटिंग इन हाउस। अब आपको ये बात बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर सोची होगी कि भाई हाउस के अंदर वोटिंग यहाँ पर कैसे होती है, आपने जब प्रोसीडिंग वहाँ पर देखी होगी लोकसभा या राज्यसभा की तो आपने देखा होगा बहुत सी बार हमारे मिनिस्टर्स खड़े होकर MPs वहाँ पर बोलते हैं आई नो, देन जो स्पीकर है वो बोलते हैं आईज हैव इट नोज हैव इट, तो वो होता क्या है, तो कोई भी मैटर जो वहाँ पर हाउस के अंदर लाया जाता है या फिर जॉइंट सिटिंग के अंदर वहाँ पर लाया जाता है वो मेंबर्स की वोटिंग के द्वारा वहाँ पर फाइनल होता है कि किस तरफ यहाँ पर वोट को जाते हैं, किस तरफ बिल यहाँ पर होता है, मतलब जो बिल यहाँ पर लाया गया है उसके पक्ष में कितने वोट हैं, विपक्ष में कितने वोट हैं, उस हिसाब से वहाँ पर काम होता है। एंड आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो भी वोटिंग वहाँ पर होती है उसके अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कभी भी वहाँ पर वोट नहीं करता है। मैंने आपको बताया था प्रिसाइडिंग ऑफिसर कब वोट करता है, जब वहाँ पर इक्वलिटी वहाँ पर हो जाए वोट्स की, एंड उसके वोट को यहाँ पर क्या बोला जाता है, कास्टिंग वोट वहाँ पर बोला जाता है। तो इन केसेस के अंदर यहाँ पर मेजोरिटी से यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, अगर मेजोरिटी ऑफ वोट जिस साइड जाती है उस साइड ही वहाँ पर बिल वहाँ पर चला जाता है। अब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की हो गई, या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को हटाना हो गया, इन केसेस के अंदर आपको कैसी मेजोरिटी वहाँ पर चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए, ऑर्डिनरी मेजोरिटी से वहाँ पर काम यहाँ पर नहीं चलता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं हाउस के वो फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर यहाँ पर वोट नहीं डालते हैं, वो कैसा वोट डालते हैं, यहाँ पर कास्टिंग वोट वहाँ पर डालते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सब अपनी अपनी वोटिंग यहाँ पर डालते हैं। अब वोटिंग डालने के बाद यहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर होता है, स्पीकर वहाँ पर कैसे कैसे काम करते हैं, उसकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले डिबेट की जाती है किसी भी बिल के ऊपर कि भाई बिल यूँ लाया गया है, ये लाया गया है, ये प्रोविज़न है, ये नहीं है, तो इसको भी इन डिटेल के अंदर मैं आपके आने वाले स्लाइड्स के अंदर यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो कोई भी यहाँ पर बिल लाया गया उसके बारे में सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हो गई, डिबेट वहाँ पर हो गई, तो स्पीकर पर क्वेश्चन पूछता है कि जो फेवर के अंदर है इसके, कि मतलब जो चाहते हैं कि बिल पास हो जाए वो इससे सहमत है, तो वो क्या बोलेंगे, आए बोलेंगे, एंड जो इसके अगेंस्ट है वो क्या बोलेंगे, यहाँ पर नो बोलेंगे। अब उसके बाद वहाँ पर जो आए बोलते हैं उनकी वॉइस ज़्यादा होती है, या जितने मेंबर सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली उनकी ज़्यादा होगी, नो वालों की कम होगी, या नो वालों की ज़्यादा होगी, आई वालों की कम होगी, तो स्पीकर देन उनकी बात बोल देते हैं कि द आईज हैव इट या नोज हैव इट, मतलब आईज वहाँ पर जीते हैं या फिर नोज वहाँ पर जीते हैं। अगर उनके बाद वहाँ पर क्वेश्चन उनका यहाँ पर चैलेंज कर दिया जाता है, ठीक है,
पहले तो यहाँ पर ये दो बार बोलेंगे आई सेव इट या नो सेव इट, लेकिन उसके बाद अगर उनका जो डिसीजन है स्पीकर का वो वहाँ पर चैलेंज कर दिया जाता है तो उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे स्पीकर यहाँ पर लॉबी क्लियर करने के लिए यहाँ पर बोलेंगे एंड 3 मिनट 30 सेकंड मतलब 3.5 मिनट का वहाँ पर टाइम यहाँ पर वो दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर वो सेकंड टाइम यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आई सेव इट या नो सेव इट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ये काम करेंगे एंड इसके बाद भी यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद भी अगर ओपिनियन वहाँ पर चैलेंज किया जाता है तो वो वहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि आप अपने जो वोट्स है वो वहाँ पर रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। मतलब वोट वहाँ पर जो एक वोटिंग मशीन उनके पास दी होती है उसके अंदर आईज और नो का यहाँ पर बटन होता है, देन वो उसको प्रेस करते हैं, देन वो सामने स्क्रीन लगी होती है स्पीकर के पास, वहाँ पर दिख जाता है कि कितने लोगों ने आईज के फेवर में वोट किया है एंड कितने लोगों ने नो के फेवर में वोट किया है। तो जिस भी साइड वो वहाँ पर जाता है उस साइड वो वहाँ पर जो बिल है वो वहाँ पर काम हो जाता है। इसके अलावा अगर इसके अंदर एक चीज़ और है कि जो स्पीकर होता है वो वहाँ पर डिवीज़न भी यहाँ पर कर सकता है कि आई वाले वहाँ पर खड़े हो जाएं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर क्लास के अंदर 50 जने आपको देखना है कि भाई कौन कितने लोग यहाँ पर समर्थन में, तो आप सिंपली उनको बोल दीजिए भाई जो समर्थन करते हैं वो आप खड़े हो जाइए, काउंट कर लेंगे उनको, उनके नंबर यहाँ पर ज़्यादा निकले तो उस तरीके से भी यहाँ पर बिल को यहाँ पर पास कर दिया जाता है। तो ये तो प्रोसेस होती है हमारी जो वोटिंग होती है हाउस की, ठीक है। अब आपको ये बात भी यहाँ पर पता होनी चाहिए कि हाउस के अंदर जो हम प्रोसीडिंग वगैरह करते हैं वो किस लैंग्वेज के अंदर करते हैं एंड उससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविज़न है, तो उसी के देखते हुए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की जाती है। सो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को ही यहां पर लैंग्वेज यहां पर का दर्जा दिया है जिसके अंदर हम हमारे जो पार्लियामेंट का जो बिजनेस है वो वहां पर कर सकते हैं। हालांकि हमारे जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है मतलब जो हाउस को वहां पर प्रेजाइड कर रहे हैं वो किसी भी मेंबर को यहां पर परमिट कर सकते हैं कि वो अपने मदर टंग के अंदर यहां पर हाउस को एड्रेस करें, मतलब अपने मदर टंग के अंदर हाउस के अंदर वहां पर बोल सकता है, ठीक है। ये बात यहां पर क्लियर हो गई। इसके अलावा बहुत सारे मेंबर यहां पर ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, बहुत सारे को हिंदी समझ नहीं आती, लाइक जो साउथ वगैरह के होते हैं, तो हाउस के अंदर यहां पर क्या है कि ट्रांसलेशन की भी फैसिलिटी यहां पर आपको दी हुई होती है कि आप यहां पर ट्रांसलेशन यहां पर यूज़ कीजिए। एंड एक बात आपको यहां पर अचंबा यहां पर होगा सुन के, लाइक आपने भी यहां पर सोचा होगा कि जब हम आज़ाद हुए तो हमें हिंदी भाषा ही यहां पर चुननी चाहिए थी, इंग्लिश हमने यहां पर क्यों चूज़ की है। लेकिन आपको ये बात पता होगी कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड वहां पर एंड हुआ था एंड ग्लोबलाइजेशन कितना ज़्यादा यहां पर बढ़ रहा था, तो इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज भी वहां पर नहीं थी, इंग्लिश एक कम्युनिकेशन का जरिया भी यहां पर बन गया था कि हम बाकी देशों के साथ कैसे कनेक्ट यहां पर करेंगे, आने वाले टाइम पर हमारी इकोनॉमी को भी उसकी यहां पर ज़रूरत पड़ेगी, हमारी वर्कफोर्स को हम कैसे बढ़ाएंगे, ब्रेन ड्रेन जो चीज़ें होती है, तो इंग्लिश को भी हमने वहां पर कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। हालांकि हमने यहाँ पर ये किया था कि आज़ादी के 15 साल बाद मतलब 1965 तक ही हम यहाँ पर इंग्लिश को यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट यहाँ पर निकला उसके अंदर यहाँ पर क्या किया गया कि इंग्लिश को भी यहाँ पर कंटिन्यू किया गया, किसके साथ, हिंदी के साथ। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इनिशियली यहाँ पर जो प्रोविज़न था इंग्लिश को यहाँ पर यूज़ करने का वो सिर्फ 15 सालों के लिए था, लेकिन जो ऑफिशियल एक्ट यहाँ पर निकला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का, तो उसके अंदर क्या किया गया इंग्लिश को भी यहाँ पर एक्सटेंड किया गया, किसके साथ, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसके साथ। तो ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनके यहाँ पर क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या राइट्स यहाँ पर नहीं होते, तो आपको यहाँ पर पता होगा एक इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं मेंबर्स वगैरह होते हैं पार्लियामेंट वगैरह के, उनको यहाँ पर वोट देने का अधिकार वहाँ पर होता है, वह हाउस की प्रोसीडिंग के अंदर पार्ट लेते हैं। तो उनके अलावा सिर्फ एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऐसे इंसान होते हैं जो कि हाउस की प्रोसीडिंग के अंदर यहाँ पर पार्ट लेते हैं, हालांकि उनके पास यहाँ पर वोटिंग की पावर यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन वो यहाँ पर लोकसभा की प्रोसीडिंग हो गई, चाहे राज्यसभा की प्रोसीडिंग हो गई, चाहे फिर वो ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पर हो गई, या फिर किसी भी कमेटी के अंदर यहाँ पर जो चीज़ होती है वो वहाँ पर हो गई, तो हमारे जो अटॉर्नी जनरल है वो वहाँ पर पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, लेकिन साथ में आपको ये भी याद ध्यान रखना है कि उनके पास वोटिंग पावर यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, ए मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ए हाउस ऑफ विच ही इज़ नॉट ए मेंबर, इन अदर वर्ड ए मिनिस्टर बिलोंगिंग टू द लोकसभा कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ राज्यसभा एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि भाई लोकसभा से चुन के आए तो राज्यसभा के अंदर क्या काम हो रहा है उनसे उनको मतलब ही नहीं है, राज्यसभा से चुन के आए लोकसभा के अंदर क्या काम हो रहा है उनको मतलब ही नहीं है, तो ऐसा वहाँ पर नहीं है। तो क्या किया गया है यहाँ पर, क्या प्रोविज़न किए गए हैं कि जो लोकसभा के जो मिनिस्टर्स हैं या मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पर जो राज्यसभा है उसकी प्रोसीडिंग के अंदर पार्ट ले सकते हैं एंड राज्यसभा वाले लोकसभा की प्रोसीडिंग के अंदर पार्ट ले सकते हैं, हालांकि उनको क्या वोटिंग पावर उनके वहाँ पर नहीं रहेंगी, वोटिंग पावर सिर्फ उनकी कहाँ रहेंगी, जिस हाउस से वो वहाँ पर चुन के आए हैं वहाँ पर ही वो रहेगी, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ जो यहाँ पर पहले मैंने आपको बताई थी, काउंसिल मिनिस्टर जब हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि कोई भी मेंबर वहाँ पर जो
किसी भी हाउस का यहाँ पर मेंबर नहीं है वो भी यहाँ पर 6 महीने के लिए क्या कर सकता है, यहाँ पर जो मिनिस्टर है वहाँ पर बन सकता है। हालांकि 6 महीने के अंदर, 6 महीने के बाद अगर उसको वहाँ पर कंटिन्यू करनी है अपनी पोजीशन, तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी भी हाउस से वहाँ पर इलेक्ट होकर आना पड़ेगा। तो ये प्रोविज़न हो गए हमारे मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। नेक्स्ट है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेम डक सेशन, आपने डक यहाँ पर सुना होगा, अगर कोई पहली बॉल पर यहाँ पर आउट हो जाता है तो उसको वहाँ पर क्या बोलते हैं, डक वहाँ पर बोलते हैं। सो लेम डक सेशन यहाँ पर क्या होता है, इट रेफर्स टू द लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर ए न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड। दोस मेंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा हु कुड नॉट गेट री इलेक्टेड टू द लोकसभा आर को लेम डक्स। तो लोकसभा की जो लास्ट सिटिंग वहां पर होती है उसको यहां पर क्या बोलते हैं, लेम डक सेशन यहां पर बोला जाता है। एंड जो भी मेंबर वापस चुन के नहीं आते हैं उनको यहाँ पर क्या बोलते हैं, लेमडक यहाँ पर बोलते हैं, मतलब वो क्या हो चुके हैं, आउट वहाँ पर हो चुके हैं। तो लेमडक सेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर काम कैसे कैसे चलता है, पार्लियामेंट जब स्टार्ट होती है तब से एंड होती है तब तक क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चलती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है, डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। तो पार्लियामेंट यहाँ पर कितनी बजे स्टार्ट होती है, सबसे पहले 11 बजे स्टार्ट होती है। एंड सबसे पहले यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 11 बजे से 6 बजे तक क्या चलती है, हमारी लोकसभा चलती है। एंड राज्यसभा जो होती है वो 1 घंटे पहले यहाँ पर एंड हो जाती है। तो राज्यसभा का क्या टाइमिंग है, राज्यसभा का टाइमिंग है 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक क्या होता है, क्वेश्चन आर होता है। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक क्या होता है, 0 आर होता है। 1 PM से 2 PM तक क्या होता है, लंच होता है। 2 PM से 5 PM तक यहाँ पर क्या होता है, राज्यसभा के अंदर लॉ वगैरह बनते हैं, जो भी काम वगैरह होता है वो काम यहाँ पर चलता है। एंड लोकसभा के अंदर सेम काम कितने बजे तक चलता है, 6 बजे तक यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो यह बात आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन आर आता है, देन फिर 0 आर आता है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर है जो भी आपको पता होना चाहिए। अब इनको इन डिटेल यहाँ पर मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि कैसे कैसे इनके अंदर यहाँ पर काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आर, सो द फर्स्ट आर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज अलॉटेड फॉर दिस। तो सबसे फर्स्ट जो आर होता है किसी भी पार्लियामेंट्री सिटिंग का वो किसको जाता है, क्वेश्चन आर को यहाँ पर जाता है। इसके अंदर क्या होता है, मेंबर यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर हम यहाँ पर जा रहे हैं, तो ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं। अब 3 टाइप कौन कौन से हो गए, फर्स्ट हो गया स्टार्ट क्वेश्चन, सेकंड अनस्टार्ट क्वेश्चन, एंड थर्ड हो गया शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब स्टार्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, इसका आपको आंसर कैसे देना होता है, ओरल आंसर आपको देना होता है। एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पर पूछे नहीं जा सकते। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो, मतलब पूछे यहाँ पर जा सकते हैं। भाई मैंने आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, मैंने आपको आंसर दिया ओरली, देन आप उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हो। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पर अलाउड होता है। एक होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या होता है कि रिटर्न यहाँ पर आपको आंसर देना पड़ता है, मतलब मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको रिटर्न आंसर यहाँ पर देना होगा। इस केस के अंदर क्या है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पर मैं नहीं पूछ सकता क्योंकि आपको रिटर्न आंसर यहाँ पर देना है। तो ये 2 टाइप के हमारे क्वेश्चन हो गए। थर्ड है हमारा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन यहाँ पर अगर आपको पूछना है तो आपको कितने दिन का नोटिस यहाँ पर देना पड़ेगा, आपको कम से भी कम 10 दिन का नोटिस यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। एंड इसका आंसर भी यहाँ पर कैसे दिया जाएगा, ओरली यहाँ पर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आर के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि भाई जो भी यहाँ पर काम होता है वो किसके द्वारा होता है, मिनिस्टर्स के द्वारा होता है। मिनिस्ट्री के अंदर क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वही चीज़ें सारी पार उनके पास होती है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो किसी प्राइवेट मेंबर से भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी जो बिल वगैरह है, कोई भी जो रेजोल्यूशन वगैरह है वो वहाँ पर उससे रिलेट कर रहा है या फिर वो उसके प्रति यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्राइवेट मेंबर से भी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन 2018 या 19 के प्रीलिम्स के अंदर भी यहाँ पर आया था कि कोई भी बिल यहाँ पर कौन लेके आ सकता है, कौन लेके नहीं आ सकता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्राइवेट मेंबर भी यहाँ पर बिल लेके आ सकते हैं। एंड प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। आई होप ये लेसन हमने इतना बार यहाँ पर पढ़ाया तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्राइवेट मेंबर यहाँ पर कौन होते हैं। तो आपको ये बात कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बतानी है, नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको इसका आंसर यहाँ पर दूंगा। ठीक है, ये बात आप क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, द प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच क्वेश्चन इज द सेम एज डेट फॉलोड इन द केस ऑफ क्वेश्चन एड्रेस्ड टू ए मिनिस्टर। तो प्राइवेट मेंबर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी जो प्रोसीजर होती है वो भी कैसे होती है, जैसे मिनिस्टर से यहाँ पर पूछे जाते हैं। द लिस्ट ऑफ स्टार्ट अनस्टार्ट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर आर प्रिंटेड इन ग्रीन व्हाइट लाइट पिंक एंड येलो कलर रेस्पेक्टिवली टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर। अब ये चीज़ भी है कि भाई आपका क्वेश्चन कौन सा है कौन सा नहीं है, इसके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट यहाँ पर करना है, तो वहाँ पर वो कैसे किया जाएगा। जो स्टार्ट क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसके अंदर पेक वहाँ पर होता है। ठीक है, अनस्टार्ट यहाँ पर कैसा होता है, वाइट होता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैसा होता है, लाइट पिंक कलर का होता है। एंड जो प्राइवेट मेंबर को जो दिया जाता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। हालांकि आपको इतना डिटेल जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कितने टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर आप पूछ सकते हो। तो फर्स्ट आर तो हमारा हो गया क्वेश्चन आर। फर्स्ट आर
के बाद यहाँ पर क्या आता है, जीरो आर। तो जीरो आर के बाद यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए आप, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं लाइक जीरो आर हो गया, क्वेश्चन आर हो गया, विप वगैरह हो गया, तो वो सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंशनड है या फिर हम रूल बुक से ले रहे हैं या फिर एक कन्वेंशन यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो अनलाइक द क्वेश्चन आर, द जीरो आर इज़ नॉट मैंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। तो रूल ऑफ प्रोसीजर जो है कि मतलब कैसे कैसे प्रोसेस यहाँ पर काम करेगी, तो उसके अंदर जीरो हाउस का कोई भी वहाँ पर मैंशन वहाँ पर नहीं है। तो ये एक इन्फॉर्मल डिवाइसेज है जो MPs को वहाँ पर दी हुई है, तो बिना किसी नोटिस के, भाई आप यहाँ पर देखिए कि आपको कोई शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन यहाँ पर पूछना है तो आप 10 दिन पहले से थोड़ा प्रिपेयर करके रखोगे कि भाई 10 दिन बाद मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछूंगा या मुझे ओवरऑल आंसर चाहिए या मुझे रिटर्न आंसर चाहिए। तो जीरो आर उसी लिए यहाँ पर बनाया गया है कि आपको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ पर जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनसे वहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हो। तो जीरो आर का भी यहाँ पर स्टार्ट होता है, जैसे ही क्वेश्चन आर यहाँ पर एंड होता है तो उसके बाद वहाँ पर जीरो आर स्टार्ट हो जाता है, यानी कब तक यहाँ पर चलता है, तो जब तक हाउस यहाँ पर एंड होता है तब तक जीरो आर यहाँ पर चलता है। अब जीरो आर लास्ट तक कैसे चलता है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि आप कभी भी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर पता हो गई, ठीक है। अब इसको जीरो आर यहाँ पर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जीरो आर मतलब कोई भी टाइम यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो टाइम यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया, लाइक उसके अंदर तो 1 घंटा ही यहाँ पर दिया गया था, इसके लिए कोई भी टाइम यहाँ पर नहीं है। आप जितनी बार चाहे उतने टाइम तक यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, मतलब राज्यसभा के अंदर 5 बजे तक और लोकसभा के अंदर 6 बजे तक यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसके लिए इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, जीरो आर यहाँ पर बोला जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डेट इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस इन 1962। तो इसको हमने कब इंक्लूड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब हमने कब इससे इसको अपना रहे हैं, तो 1962 से हमने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था। एंड ये इंडिया का इनोवेशन है, मतलब इंडिया ने खुद यहाँ पर इनोवेट करके ये चीज़ यहाँ पर लेके आया था, कहीं से भी हमने ये चीज़ यहाँ पर बोरो नहीं की है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन आर एंड जीरो आर। नेक्स्ट है हमारा मोशन। तो मोशन यहाँ पर क्या होता है, नो डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन ए मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर। तो कोई भी चीज़ के ऊपर यहाँ पर आपको डिस्कशन करना है, जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस की कोई भी चीज़ हो गई, तो उसके लिए आपको किसकी यहाँ पर परवानगी चाहिए, जो हमारे प्रेसाइडिंग ऑफिसर है उनकी यहाँ पर परवानगी चाहिए। द हाउस एक्सप्रेसेज इट डिसीजन और ओपिनियन ऑन वेरियस इश्यू थ्रू आउट द अडॉप्शन और रिजेक्शन ऑफ मोशन मूव्ड बाय अदर मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। तो जो बिल वहाँ पर लाया जाता है उसको ही यहाँ पर आप मोशन यहाँ पर बोलते हैं, कि कोई भी यहाँ पर मोशन लाया गया है मेंबर के द्वारा या फिर मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स की परमिशन के द्वारा, कि यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर काम होगा कैसे नहीं होगा। अब मोशन जो है वो भी यहाँ पर 4-5 टाइप के होते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कौन कौन से होते हैं, ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। फर्स्ट हो गया यहाँ पर सब्सटेंटिव मोशन। सब्सटेंटिव मोशन का यहाँ पर मतलब क्या होता है, इट इज़ अ सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल डीलिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट या फिर रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए अगर कोई मोशन यहाँ पर लाया जा रहा है तो उसको यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, सब्सटेंटिव मोशन यहाँ पर बोलेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर रहेंगे। सब्सटीट्यूट मोशन का यहाँ पर मतलब क्या है, कि ओरिजिनल कोई मोशन आप लेके आए हो उसके सब्सटीट्यूट में, मतलब उसको हटा के आप दूसरा मोशन यहाँ पर लेके आए हो, तो उसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, सब्सटीट्यूट मोशन यहाँ पर बोलेंगे। एंड अगर इसको एडॉप्ट यहाँ पर कर लिया जाता है तो जो ओरिजिनल मोशन लाया गया था, मतलब जिसके हटा के आप इसको सब्सटीट्यूट करके यहाँ पर लेके आ रहे हो, तो ओरिजिनल मोशन यहाँ पर क्या करेगा, ओरिजिनल मोशन यहाँ पर हट जाएगा। थर्ड है हमारा सब्सिडरी मोशन। इसके अंदर भी 10 टाइप है, ठीक है। इट इज़ अ मोशन डेट बाई इट्सेल्फ हैज़ नो मीनिंग एंड कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन और प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। तो इस ये जो मोशन होता है सब्सिडरी मोशन, इसका खुद का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। इसके अंदर भी यहाँ पर 3 चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। सबसे फर्स्ट है इसके अंदर एंसिलरी मोशन, इट इज़ यूज एज अ रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग विद वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस। तो इसके अंदर नॉर्मल काइंड का जो अपना रेगुलर बिजनेस होता है वही यहाँ पर होता है। सुपरसीडिंग बिजनेस यहाँ पर क्या होता है, कि यहाँ पर कोई भी सुपरसीड करना होता है किसी भी इशू को, मतलब इस इशू पे बात नहीं करके किसी दूसरे इशू पर बात करनी होती है, तो उसके लिए सुपरसीडिंग मोशन यहाँ पर लाया जाता है। इसके अलावा अमेंडमेंट, तो अगर कोई भी यहाँ पर जो ओरिजिनल मोशन है उसके अंदर आपको कोई भी यहाँ पर चेंज करना है, कोई भी उसके अंदर आपको दिक्कतें आ रही हैं उसको आपको बदलना है, तो यहाँ पर क्या लाया जाएगा, अमेंडमेंट वहाँ पर लाया जाएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होता है, वैसे इसके अंदर भी यहाँ पर अमेंडमेंट होता है। तो ये तो हमारे हो गए 3 टाइप के मोशन, जो किसके अंदर आते हैं, सब्सिडरी के अंदर आते हैं। तो ये हमारा मोशन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोजर मोशन। तो इट इज़ अ मोशन मूव्ड बाय मेंबर टू कट शॉर्ट अ डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। इफ द मोशन इज अप्रूव्ड बाय द हाउस डिबेट इज स्टॉप फॉरथविथ एंड द मैटर इज पुट टू वोट। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर हाउस के अंदर वोटिंग कैसे होती है, पहले डिबेट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से की जाती है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं या फिर क्या क्या यहाँ पर नहीं है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्लोजर मोशन यहाँ पर क्या होता है, कि कोई भी यहाँ पर डिबेट हो गई है उसको यहाँ पर छोटी करनी है कि भाई हमें इतनी डिबेट नहीं करनी है, आप डायरेक्ट वोटिंग करके इसको पास कीजिए यहाँ पर, तो उस केस के अंदर क्लोजर मोशन यहाँ पर काम आता है।
तो इसके अंदर भी चार टाइप के होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हो गया सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर के अंदर यहाँ पर क्या है, मेंबर क्या हुआ है कि कोई भी जो मैटर है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर आपने डिस्कस कर लिया है, तो अब आप इसको यहाँ पर क्या कीजिए, वोट के लिए यहाँ पर रख दीजिए, एंड वोट के बाद क्या होगा वो पास वहाँ पर मान लिया जाएगा। सेकंड है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई बिल बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा लेंथी रेजोल्यूशन है यहाँ पर, तो उसको बहुत सारे पार्ट्स के अंदर यहाँ पर डिवाइड कर लिया जाएगा, ठीक है, उसको पार्ट बाय पार्ट करके यहाँ पर देन उसके अंदर डिबेट यहाँ पर की जाएगी, देन पूरा जो पार्ट है उसको वहाँ पर वोट के अंदर वहाँ पर रख दिया जाएगा। तो कंपार्टमेंट के द्वारा ये हो गया कि कंपार्टमेंट बना के आपने वहाँ पर काम कर लिया। थर्ड है यहाँ पर कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर क्या होता है, इसके अंदर ये रहता है कि भाई बिल तो बहुत ज़्यादा लंबा है, रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा है, तो हम कोई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं, मतलब कंगारू की तरह हम कूदते हुए वहाँ पर चलते हैं, मतलब स्किप करते हुए यहाँ पर हम चलते हैं, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर ले लेते हैं, उन पर ही वोटिंग करा के उसको वहाँ पर पास मान लिया जाता है। एंड फोर्थ है हमारा गुलेटिन क्लोजर। इसके अंदर क्या है, इट इज़ वन वैन द अनडिस्कस क्लोज ऑफ ए बिल और रेजोल्यूशन आर ऑल्सो पुट टू वोट अलॉन्ग विद द डिस्कस वन ड्यू टू वॉन्ट ऑफ टाइम। तो मतलब आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो वहाँ पर डिस्कस वहाँ पर कर ली है, इसके अलावा जो भी फालतू की जो चीज़ें हैं, अनडिस्कस जो पार्ट है, जो भी बिल वगैरह का, तो वो भी आपने जो डिस्कस पार्ट है उसके साथ आपने वोटिंग के लिए यहाँ पर डाल दिया है, तो उसको यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, गुलेटिन क्लोजर यहाँ पर बोलेंगे। तो ये जो सारे क्लोजर है आपको पता होने चाहिए। आपसे यहाँ पर मैच दो फॉलोइंग के अंदर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे इन डिटेल भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड मैथ्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोजर कितने कितने टाइप के यहाँ पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन यहाँ पर क्या होता है, अभी जो छोटे छोटे टर्म्स आएंगे यह बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। प्रिविलेज मोशन क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाय मिनिस्टर। इट इज मूव्ड बाय अ मेंबर व्हेन ही फील दैट अ मिनिस्टर हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और वन और मोर इट्स मेंबर विद होल्डिंग फैक्ट ऑफ अ केस और बाय गिविंग रोन और डिस्टर्ब फैक्ट इस पर्पज इज टू सेंसर द कंसर्न मिनिस्टर। मतलब मैंने आपको बताया था कि हाउस के अंदर ये कोई भी काम वहाँ पर नहीं कर, जो भी करते हैं उसके लिए ये अकाउंटेबल यहाँ पर नहीं है, कोर्ट के अंदर इनका जो बिहेवियर वगैरह है वो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है, कोर्ट के अंदर वो उसको रिव्यू यहाँ पर नहीं कर सकते कि हाउस के अंदर यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं। तो अगर किसी मेंबर को वहाँ पर लगता है कि इन्होंने यहाँ पर काम सही नहीं किया है या फिर इन्होंने जो फैक्ट वगैरह है वो वहाँ पर सही नहीं रखे हैं या अपनी जो एक एरिया है उससे वहाँ पर बाहर जाके इन्होंने काम किया है, तो वो उनके खिलाफ क्या लेके आ सकते हैं, जो प्रिविलेज मोशन है वो वहाँ पर उनके खिलाफ यहाँ पर लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉलिंग अटेंशन मोशन। अब ये यहाँ पर कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, इट इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय अ मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो अगर कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर यहाँ पर आ जाता है तब तो कॉलिंग अटेंशन मोशन यहाँ पर लाया जाता है ताकि उस चीज़ से रिलेटेड जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनका ध्यान उसकी तरफ यहाँ पर लाया जाए एंड उनसे इसका यहाँ पर जवाब यहाँ पर मांगा जाए। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, लाइक द जीरो आर इट इज़ ऑल्सो एन इंडियन इनोवेशन इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस इन 1954। तो ये भी जैसे जीरो आर मैंने आपको बताया था कि इंडिया वालों ने यहाँ पर चालू किया है, तो उसी तरीके से कॉलिंग अटेंशन जो मोशन है ये भी इंडिया वालों ने ही यहाँ पर चालू किया है, ठीक है। लेकिन जो जीरो आर था वो रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर यहाँ पर मेंशन नहीं था, लेकिन जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है ये रूल ऑफ मोशन के अंदर क्या है, यहाँ पर मेंशन है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एडजर्नमेंट मोशन। अब एडजर्नमेंट मोशन यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मेंबर ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड नीड द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। तो नॉर्मल वाला जो था उसके अंदर तो ये था कि भाई आपको मिनिस्टर की अटेंशन के लिए, मिनिस्टर से जवाब के लिए आपको यहाँ पर मोशन लेके आना था, उसको आपने यहाँ पर बोल दिया कि भाई कॉलिंग अटेंशन मोशन यहाँ पर आपको बोल दिया। एडजर्नमेंट मोशन के अंदर क्या है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ही इसकी यहाँ पर ज़रूरत है, कुछ आपको लग रहा है, तो आपको कम से कम 50 मेंबर का यहाँ पर सपोर्ट चाहिए होगा, तब वहाँ पर जो मोशन है वो वहाँ पर एडमिट यहाँ पर किया जाएगा। अब 50 मेंबर का आपको सपोर्ट चाहिए तो भाई बहुत बड़ी ही यहाँ पर बात होनी चाहिए। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो नॉर्मल बिजनेस होता है हाउस का वो वहाँ पर हटा दिया जाता है, एंड इसको इसलिए ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस वहाँ पर बोला जाता है। इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड हैंस राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज़ ऑफ दिस डिवाइस। अब आप यहाँ पर सोचिए कि कोई मोशन है जिसको लाने के लिए 50 मेंबर का यहाँ पर साथ देना पड़ रहा है, मतलब 50 मेंबर ऑलरेडी यहाँ पर खिलाफ है, मतलब 10% मेंबर आपके खिलाफ यहाँ पर कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को सेंसर करने के लिए या फिर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ पर किए या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर हो गई है तो गवर्नमेंट से वह जवाब देने के लिए, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने के लिए यहाँ पर ये काम की जाती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। हमारे जो एमपीज मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं लोकसभा के अंदर होती है, तो राज्यसभा के अंदर एडजर्नमेंट मोशन यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड एडजर्नमेंट मोशन के अंदर जो डिबेट वगैरह होती है, जो डिस्कशन वगैरह होता है, वो कितने टाइम के लिए यहाँ पर चलता है, 2 आवर 30 मिनट के लिए यहाँ पर ये काम
चलता है, मतलब 2.5 घंटे तक वहाँ पर ये चीज़ वहाँ पर की जाती है। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या प्रोविज़न है ये मैं आपको बताता हूँ। सो द राइट टू मूव ए मोशन फॉर एन एडजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं है कि 50 मेंबर को लेकर आपने कोई भी यहाँ पर चीज़ लेके आ गए तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं चलेगा। इट शुड रेज ए मैटर विच इज़ डेफिनेट फैक्चुअल अर्जेंट एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो जो मैटर आप लेके आ रहे हो वो डेफिनेट यहाँ पर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होना चाहिए, उससे रिलेटेड आपके पास जो भी फैक्ट्स वगैरह वो वहाँ पर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एंड जो आप मैटर लेके आए वो आप सिंगल मैटर होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 2-3 मैटर या 2-5-10 मैटर एक साथ लेके आके आप गवर्नमेंट को सेंसर करने की यहाँ पर कोशिश करो, ऐसा भी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट ऑकरेंस, एंड अभी ही वहाँ पर वो चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 2-5-10 साल पहले की चीज़ वहाँ पर लेके आके आप अपना यहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो बात अभी यहाँ पर उसके अंदर कंडीशन के अंदर आती है। इसके अलावा वो एक प्रिविलेज का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं उठाना चाहिए, मैंने आपको जो प्रिविलेज मोशन बताया वो वाला। इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन ए मैटर डेट हैज़ बिन डिस्कस इन द सेम सेशन। तो उस सेशन के अंदर उस बात पर पहले ही यहाँ पर डिबेट हो चुकी है तो वापस आप उस डिबेट को वहाँ पर स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई मैटर कोर्ट के अंदर वहाँ पर चल रहा है तो उस केस के ऊपर आप वहाँ पर वो नहीं लेके आ सकते। इसके अलावा अलग से कोई मोशन वहाँ पर लेके आना पड़े तो वो भी वहाँ पर आप काम यहाँ पर नहीं करोगे। तो अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ लेके आनी है, लाइक आपको एडजमेंट मोशन लेके आना है, तो आपको जो सारी कंडीशन है यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर क्या लेके आ सकते हो, एडजमेंट मोशन यहाँ पर आप लेके आ सकते हो। तो ये हमारा हो गया एडजमेंट मोशन। एंड इसके अंदर हमारा लास्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेमस होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर कब लाया जाता है, ऑब्वियसली कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर चुन के आती है, 5 साल के लिए चुन के आती है, तो एक बार उनकी जो मेजोरिटी वगैरह है वो प्रूफ हो जाती है। लेकिन 2-2.5 साल बाद अगर हम चेक करना चाहें कि भाई गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है या नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से यहाँ पर चेक की जाती है। अब ये कहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। सो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगी, लोकसभा के प्रति यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होगी। एंड जब तक उनके पास यहाँ पर मेजोरिटी है वो लोकसभा के अंदर यहाँ पर काम यहाँ पर करती रहेंगी। मतलब इसका क्या है, इन अदर वर्ड द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब अगर मिनिस्टर्स को आपको हटाना हो तो आपको कौन सा बिल यहाँ पर पास करना होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको यहाँ पर पास करना होगा। एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए आपको कितने मेंबर का यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, आपको 50 मेंबर का यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर ये एडमिट होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर जो मिनिस्टर्स वगैरह उनको यहाँ पर हटाने का काम यहाँ पर कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप ये लेसन आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आया होगा, हमारे हाउस की प्रोसीडिंग कैसे होती है, डिफरेंट टाइप के मोशन कैसे होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, जीरो आर क्या होता है, क्वेश्चन क्या आर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। एंड आने वाले टाइम के अंदर हम जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा एक अलग से प्लेलिस्ट यहाँ पर बनेगी जिसके अंदर क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे ताकि आप इस सीरीज़ को पढ़ के वहाँ पर क्वेश्चन आंसर सोल्व कर सको, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हम पैरेलली करेंगे। सो इसी के साथ ये लेसन हमारे यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं आपको इसके आगे की जो चीज़ है, लाइक कॉन्फिडेंस मोशन क्या हो गया, मोशन ऑफ थैंक्स क्या हो गया, इसके अलावा जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे हाउस के अंदर, और बाकी क्या क्या यहाँ पर चीज़ें होती है इन डिटेल के अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। एंड अगर आपने अब तक वेश आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप 2022 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वेस्ट सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारे फाउंडेशनल वीडियोस को भी वहाँ पर आप एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।